नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पीपल में इस समय जल चढ़ाने से आता है अथाह धन। आज मैं बात करूंगी एक ऐसे समय के बारे में जिस समय माँ लक्ष्मी साक्षात रूप में पीपल वृक्ष में विराजमान होती हैं। उस समय पर अगर कोई व्यक्ति जल अर्पित करता है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा उसे प्राप्त होती है और उसके जीवन से गरीबी और धन संबंधी समस्याएं सब समाप्त हो जाती हैं और धन प्राप्ति के रास्ते भी खुलने लग जाते हैं। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। श्री मद भगवत गीता के अनुसार पीपल के मूल में ब्रह्मा जी, मध्य में विष्णु जी और अगर बाग में भगवान शिव जी साक्षात रूप से विराजमान हैं। यही वजह है कि पीपल पर रोजाना स्नान के बाद जल अर्पित करने से तकलीफों से छुटकारा मिलता है, परंतु रविवार को आप जल अर्पित नहीं कर सकते। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी होती है, इसलिए जल चढ़ाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी सभी दिक्कतें दूर होंगी और पैसों को लेकर जो भी हमारी चिंता है वो भी दूर होगी। पीपल की पूजा तो हम सब करते हैं। अगर आप शनि संबंधी समस्या से परेशान हैं और उन समस्याओं से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो पीपल पूजा अवश्य करें। कहते हैं कि शनिवार के दिन अगर हम पीपल वृक्ष को स्पर्श भी कर लेते हैं तो स्पर्श करने मात्र से ही हमारी सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, तो हमारी दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाती हैं और सौभाग्य की रेखाएं परम सौभाग्य में बदल जाती हैं। इसलिए शनिवार के दिन आप अपने दोनों हाथों से पीपल वृक्ष को अवश्य स्पर्श करें। अब बात करते हैं कि शनि संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा हमें किस समय पर करनी चाहिए। देखिए, शनि संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको पीपल वृक्ष की पूजा सूर्य उदय से पहले करनी चाहिए, यानी कि जब हल्का हल्का सा अंधेरा होता है, जब आपको एक दूसरे का हल्की हल्की झलक दिखाई दे तो उस समय आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शनि देव का समय सूर्य उदय से पहले ही शुरू होता है। सूर्य उदय के बाद शनि देव की पूजा का समय नहीं होता है। अगर आप शनि संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए सूर्य उदय से पहले पूजा करेंगे तो आपकी शनि संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी और आपको शनि देव की अच्छे बड़ी कृपा प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष की पूजा का समय क्या है। जब आपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करनी हो, जब सूर्य उदय हो रहा हो, ऐसा ना करें कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं, 8-9 बज जाएं तब पूजा करें। नहीं, जब सूर्य उदय हो रहा हो आपने उस समय ही पूजा करनी होती है। उस समय आप पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें। पीपल वृक्ष में उस समय जल अर्पित करने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अगर आप ये काम नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर पर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। जो लोग कई सालों से, यानी कि 2-3 सालों से ऐसे ही नियमित रूप से पूजा करते हैं पीपल की, उनके घर में पैसों की कभी कमी नहीं आई। कई बार हम गलत तरीके से गलत समय पर पूजा कर लेते हैं तो हमें उस पूजा का हमें कोई फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि हमें तो कई सालों से पूजा करते हो गया, हमें तो कोई भी फल नहीं मिला है। इसलिए आप सही समय पर पूजा करें और आपको फल अवश्य मिलेगा। जब आप किसी भी देव वृक्ष की पूजा करें, यानी कि पीपल वृक्ष की, आंवला वृक्ष की या फिर बेल वृक्ष की पूजा करें, तो उसके बाद आप परिक्रमा अवश्य करें, तभी आपकी पूजा पूर्ण होगी। कई बार हम जल्दी जल्दी में पीपल वृक्ष में जल तो अर्पित कर देते हैं पर परिक्रमा लगाना भूल जाते हैं, परंतु आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए ता जो आपकी पीपल पूजा पूर्ण मानी जाए। जब आप सूर्य उदय के बाद पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि पीपल वृक्ष का जो आपका हृदय बराबर का स्थान होता है, वो स्थान माता लक्ष्मी का होता है, वहां पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष में एक लोटा मीठा जल, कच्चा दूध और मिश्री काले तेल डालकर आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। एक पीपल वृक्ष में 3300 करोड़ देवी देवता के साथ साथ लक्ष्मी नारायण भगवान
के साथ साथ पितरों का वास भी होता है, भूत साथियों का वास भी होता है, दरिद्रता का वास भी होता है। इन सभी का पीपल में वास अलग अलग समय पर होता है, इसलिए आपको समय का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप सही समय पर पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप समय पर समय का ध्यान नहीं देते आपको आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आप पीपल वृक्ष में सुबह जल अर्पित करते हैं तो शाम के समय आप पीपल वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक आप अवश्य लगाएं। सरसों के तेल का दीपक भी आपने सूर्य अस्त के बाद ही लगाना है, क्योंकि शनि देव का समय सूर्य अस्त के बाद ही शुरू होता है। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पीपल वृक्ष में दीपक जलाते हैं तो घी का दिया जलाएं। आप शनि संबंधी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दीपक जलाते हैं पीपल वृक्ष के नीचे, तो आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि देव की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप दीपक जलाते हैं तो पहले आप काले तिलों का आसन लगाएं, उसके बाद आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप धन प्राप्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक जलाना चाहते हैं तो आप घी का दीपक जलाएं या फूलों का आसन लगाकर भी दीपक जला सकते हैं, या फिर चावलों का आसन लगाकर भी दीपक जला सकते हैं। डायरेक्ट धरती पर आपको दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार हो जाएंगे। जब भी आप पीपल वृक्ष में जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे का प्रयोग आप भूल कर भी ना करें। अगर आप पीपल वृक्ष की इस समय पर इस विधि से पूजन करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से दुख दरिद्र कष्ट परेशानियां सब दूर होंगी और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। आपके घर में धन के मार्ग खुलेंगे और आपके घर में खुशियां का भी आगमन होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।